अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं हो गई हूँ तैयार जाने के लिए, बिकॉज़ आज मुझे चैलेंज मिला है कि मुझे ग्रोसरी अकेले से करके आनी है, और मैं हो गई हूँ तैयार जाने के लिए। आई हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज फ्रॉम माय हस्बैंड, सो हियर आई एम सेट ऑफ। तो अब हम जा रहे हैं ग्रोसरी स्टोर की तरफ, और मैंने अपनी स्पीड बहुत तेज़ी से पकड़ ली है। एंड व्यू बहुत प्यारा था, तो सोचा साथ में आपको व्यू इन्जॉय करवाती हूँ। एंड ऑल्सो आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है? होप सो बहुत अच्छा जा रहा होगा माशाल्लाह से। तो मैं पहुंच गई हूँ इन फ्रंट ऑफ लिडल, सो आई एम गोइंग इनसाइड। मैंने अपनी ट्रॉली ले ली है, हैंड सैनिटाइज मैं पहले से करके आई थी तो मैंने अंदर नहीं किए। तो सबसे पहले मैं आई हूँ वेजिटेबल रैक में, बिकॉज आई वॉज लाइक लुकिंग फॉर समथिंग, देन आई फाउंड कुकम्बर्स, तो ये मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए थे। एंड बिकॉज मैं सैलड और पराठास में यूज़ करती हूँ। एंड देन आई लुक around and then I got the grapes. Then I got Target to do the fruits rack. So सबसे पहले मैंने लिए bananas because I was just refilling the fruit list of my house. So fruit chart के लिए पहले हो गए bananas and then plums. Plants और plums हम रमज़ान में बहुत शौक से खाते हैं, इसको हम ठंडे करके खाते हैं, बहुत मज़ा आता है ना। pears इस पर चाट मसाला डाल के खाएँ, बहुत ही हम लगते हैं। देन melon, great. एंड देन पोटैटोस, रमज़ान में बादशाह है सब्जियों का आलू। एंड देन फ्रूट कॉकटेल, सब फ्रूट कॉकटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आई थिंक एवरीबडी शुड पुट दिस इन देयर फ्रिज, लाइक आप इसको शेक्स में यूज़ करते हो, आप इसको किसी भी स्वीटिश की ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हो, इट्स लाइक लवली। आलमंड मिल्क, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम रमज़ान में बहुत पीते हैं, बहुत अच्छा होता है। एंड सम वेजिटेबल ऑयल लाइक दिस, मैं फ्राइंग ऑयल के लिए ये वाली बॉटल्स ले लेती हूँ। एंड देन गार्डन पीज, लाइक मैंने अगर रफली कुछ बनाना हो और मेरे पास टाइम नहीं हो मटर वगैरह बॉयल करने के लिए, तो देन आई यूज दिस। सो ये मैंने रेस्पबेरी एक फ्रूट कॉकटेल ले लिया है लाइक फॉर अफ्तारी, बिकॉज मैं लेट हो जाऊँगी। एंड देयर इज गो फॉर द ड्रेसिंग ऑफ क्रीम, एंड हियर वी गो टू द काउंटर टेल। और मैं फिर भी इधर उधर देख रही थी कि कुछ मिसिंग है तो मैं ले लूँ। एंड देन आई गॉट टू नो कि मेरा हैंड वॉश ख़त्म हो चुका है, सो हियर वी गो फॉर द सेल्फ। सो आई होप मेरे दिमाग में अभी भी कैलकुलेटर की तरह चीज़ें चल रही हैं, लाइक मुझे और कुछ चीज़ चाहिए या कि नहीं चाहिए। अब मैं ये करके अपने हस्बैंड को कॉल करने वाली हूँ कि प्लीज़ मुझे ले जाएं आके और मेरी प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर दें। सो ये हो गया, मैं बिलिंग कर रही हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू द अनदर स्टोर, बिकॉज यहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। सो इट्स एल्दी और व्यू बहुत अच्छा था एंड द वेदर वॉज सो नाइस, सो आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल। एंड देन हियर आई गो, आई रीच द एल्दी। सो यहाँ मैं बाद में जाऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सैनिटाइज योर हैंड, मैं घर से करके आई थी और अब दोबारा कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आई वॉज जस्ट लुकिंग अराउंड के कोई फ्रूट मिसिंग तो नहीं है घर पर, बट आई थॉट स्ट्रॉबेरीज भी अवेलेबल हैं एंड ब्लू बेरीज भी, एंड ग्रेप्स मैंने अभी ले लिए हैं। आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर द कीवी, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि लास्ट टाइम मैंने कौन सी जगह से पिक किया था। आई वॉज जस्ट लुकिंग अराउंड एंड देन I got a reminder that it must be on the first rack. So here is the kiwi. Ta-da! Here is kiwi, like my favorite fruit. And then I'm just looking around ki kuch missing hai, to mujhe yaad aaya ki tea bags lene the mujhe. And then I was just looking for the canned foods, like mujhe sweet corns chahiye the because main bahut zyada ramzan mein use karti hu, like jab main chatpati chaat banati to usme use karti hu, kabhi rice mein use kar leti hu, like maine bhi समोसे और रोल वगैरह रमज़ान के लिए रेडी किए थे उसमें यूज़ किया था, बहुत अच्छा टेस्ट आया था इसका विद ब्लैक पेपर। एंड समटाइम मैं चाट मसाला डाल के लेमन स्क्वीज करके खाती हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। सो इट्स टाइम टू गेट चीज़, तो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लाइक रमज़ान में मैं बहुत सी डिशेज़ में यूज़ करती हूँ। एंड हियर इज़ माई फेवरेट स्ट्रॉबेरी योगर्ट एंड द क्रीम, डबल क्रीम, डोंट फॉरगेट दिस। मेरा ये डेली का होता है कि हम लोग क्रीम चाट ज़रूर बनाते हैं। तो फिर पाइनएप्पल ड्रेसिंग, लाइक आई लव। एंड सो नाउ आई एम गोइंग टू द अनदर स्टोर, दैट्स आइसलैंड। तो मुझे अपने हस्बैंड के लिए एक बल्गेरियन एक्लेयर्स लेना था, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि वो मैंने कहाँ से पिक किया था, बिकॉज वो मैंने किसी और ब्रांच से लिया था एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द
सेटिंग सो आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड के वो बल्गेरियन एक्लेयर्स थे तो फ्रेजर वाली साइड पे, लेकिन मुझे कहाँ मिलेंगे. सो आई वाज ऑल टाइम लुकिंग बिकॉज माय हस्बैंड लव्स दीज एक्लेयर्स. सो आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड, तो हियर आई गो एंड आई विन एंड आई कलेक्ट ऑल द थिंग्स दैट आई वांट. आई एम सो हैप्पी. हैप्पी रमदान. थैंक यू. टेक केयर. बाय.